राम राम सा दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का पहला चैप्टर, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान के आकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये जब पढ़ ही रहे हैं सामान्य जानकारी, स्थिति, आकार, तो उसका हम भारत के साथ में तुलना भी करते चलेंगे। सबसे पहले हमें राजस्थान के बारे में ये देखना होगा कि राजस्थान पूरे भारत में किस दिशा में स्थित है। दिशाएं जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके दिमाग में एक मैप या माइंड में मैप या चित्र नहीं बनता है ना, तब तक आप एक चीज़ों को रटते हो बस। अगर आपके दिमाग में चित्र बनने लग जाए, आपके दिमाग में बस, आप आसानी से ऐसा समझ लो किसी भी चीज़ को, आपके सामने एक नाम ले दिया किसी व्यक्ति का, न्यूटन नाम अगर ले दिया, जब तक उसकी चित्र ना दिखाया जाए, उसकी इमेज ना दिखाई जाए, तब तक आप उसे रटते रहोगे। तो मैं कोशिश ये करूँगा आपके राजस्थान जीके में हर टॉपिक में इमेज यानी चित्र बनाए जाएँ। तो शुरुआत करते हैं अभी हम, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया न्यूटन वाला, न्यूटन का अगर आपको चित्र दिखा देंगे तो आपके दिमाग में उसका एक चित्र फिक्स हो जाएगा, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। लेकिन आप बिना चित्र के, बिना इमेज के अगर न्यूटन के बारे में पढ़ोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ रटना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भारत का नक्शा बनाते हैं। भारत का नक्शा मैंने परमानेंट मार्कर से बनाया हुआ है। मैं भारत का नक्शा लगाता हूँ और उसमें राजस्थान की स्थिति देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास में भारत का नक्शा है, परमानेंट मार्कर से बनाया हुआ है। आप इस तरीके से इसमें देख सकते हो। इधर की साइड में मैंने सारे 29 राज्य बनाए हुए हैं पूरे के पूरे। इसमें यहाँ पे ये जो राज्य है, ये राजस्थान राज्य है। तो मैं राजस्थान राज्य को रेड पेन से थोड़ा मार्क कर देता हूँ। आप जानते ही हैं, आप कभी भी मैप बनाए या कुछ भी बनाए, अगर अपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे अगर आप मैप बनाते हैं, तो आपको दिशाओं को इस तरीके से बताया जाता है। ऊपर की साइड में होती है उत्तर, नीचे की साइड में होती है दक्षिण, राइट हैंड यानी सीधे हाथ की साइड में होती है पूरब, और लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की साइड में होती है पश्चिम। इस तरीके से आप नक्शे में दिशाएं बनाते हो अपने बोर्ड पे, अपने कॉपी पे, अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे बनाते हो। अगर मैं पूरे भारत का केंद्र यहाँ पे मान लेता हूँ, महाराष्ट्र में नॉर्मली एक जगह है नागपुर, उसे पूरे भारत का केंद्र माना जाता है कि इससे सारी सारी जो दिशाएं हैं सारे वो एक दूरी पे बैठते हैं करीब करीब। तो मैं इस नागपुर को भारत का केंद्र मानता हूँ। ऊपर की साइड में जो दिशा होगी वो हो जाएगी उत्तर दिशा, नीचे की साइड में जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा। इस साइड में होगा पश्चिम और इस साइड में होगा पूरब। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब आप देख सकते हैं इसमें राजस्थान की स्थिति कहाँ दिख रही है आपको। राजस्थान की स्थिति उत्तर और पश्चिम दोनों दिशाओं के बीच में दिख रही है। तो राजस्थान को उत्तर पश्चिम दिशा में भी माना जाता है। अगर राजस्थान की स्थिति पूरे भारत की तुलना की जाए, पूरे भारत के कंपैरिजन में राजस्थान की स्थिति निकाली जाए, तो राजस्थान निकल के आता है उत्तर पश्चिम दिशा में। ये राजस्थान की स्थिति हो गई। मैंने यहाँ पे आपको जो बिंदु पढ़ने हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और कंपैरिजन के लिए भारत और राजस्थान दोनों को कंपैरिजन के लिए एक साथ में बनाया हुआ है। जैसे कि क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो राजस्थान का, और उसके बाद में भारत का, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे यानी तुलना कर लेंगे, तो उससे आपको कंपैरेटिव वे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति पता चली, उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति। आप चित्र को देख के, मानचित्र को देख के समझ ही गए होंगे इस तरीके से राजस्थान बना हुआ है। तो ये जो आकृति है एक तरीके से विषम कोण चतुर्भुज जैसी आपको लग रही है, यानी पतंगाकार लग रही है। तो राजस्थान की जो आकृति है विषम कोण चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी पतंगाकार के जैसी है, पतंगाकार है, पतंग इस तरीके की होती है, इसलिए राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज की। अब राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियों में देखी जाती है। अब राजस्थान की स्थिति अक्षांशों में और देशांतरों में देखते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। जैसे कि पूरा विश्व है, मेरे पास में विश्व का ग्लोब है, मैं आपको वो ग्लोब दिखा देता हूँ।
ये पूरे विश्व का ग्लोब है, इस तरीके से ये पूरा विश्व है। 3D यानी 3 डायमेंशन, 3 दिशाओं में ये ग्लोब है, आप देख सकते हैं मैं इसे घुमा रहा हूँ इस तरीके से। इसमें भारत यहाँ पे पूरे विश्व में किसी भी देश की स्थिति, किसी भी राज्य की स्थिति, किसी भी जिले की स्थिति या किसी भी स्थान, स्पेशल स्थान, आप जहाँ रहते हैं उस जगह की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाया गया था। ये काल्पनिक रेखाएं, वास्तविकता में ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। वास्तविकता में कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ की लाइन जा रही होगी ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने करीब 150 साल पहले वैज्ञानिकों ने मिलके, भूवैज्ञानिकों ने मिलके, भूगोल वाले वैज्ञानिकों ने मिलके ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये पूरा विश्व है, गोल मान लीजिए इसे, वैसे तो वृत्त है लेकिन 3D का अनुमान लगा के मान लीजिए गेंद के जैसा है। मैं इस विश्व को 2 भागों में बांट देता हूँ। ये जो रेखा है इसे पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है, यानी भू को मध्य से 2 अलग अलग भागों में बांट देती है। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ऊपर की साइड में जो गोला है, ये गोला आधा हो गया, तो ऊपर का जो गोला होगा उसे गोलार्ध बोलेंगे, उसे उत्तरी दिशा होने के कारण क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो गोला है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। अब किसी भी जगह की पोजीशन यानी स्थान स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इस पृथ्वी को और छोटे छोटे भागों में और बांटना पड़ेगा। इसलिए हमने 2 तरीके की रेखाओं का ईजाद किया, 2 तरीके की रेखा बनाई। अगर आप तिरछी रेखाएं इस तरीके से बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कुल मिला के 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर तक बनाई गई और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे बनाई गई। ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश, नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश। ऐसे ही ऊपर से नीचे, ठीक है, इस तरीके से देशांतर रेखाएं बनाई गई, देशों में अंतर दिखाने के लिए रेखाएं बनाई गई। इस साइड में 180 देशांतर रेखाएं बनाई गई और इस साइड में 179 रेखाएं बनाई गई। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि यहाँ भारत है, हमें बस अक्षांश रेखाओं के बारे में बोल दीजिए कि ये अक्षांश रेखाओं के बीच में और इतनी से इतनी देशांतर रेखाओं के बीच में है, तो हम भारत की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं भारत के मैप में भारत की स्थिति बनाता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद में राजस्थान की स्थिति। ये श्रीलंका देश है, ये भारत है। भारत की जो सबसे नीची जो रेखा है यहाँ पे, ये रेखा मैंने बताया था तिरछी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। सबसे नीची वाली जो रेखा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से शुरू होकर के ऊपर की साइड में जो सबसे ऊपर वाली जो स्थान है, सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है उसका नाम इंदिरा कौल है यहाँ पे इस जगह पे, तो उस पे जो रेखा जाती है अक्षांश रेखा उसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए सिर्फ अक्षांश रेखाओं से स्थिति नहीं बता सकते। हमने ऊपर से नीचे वाला बता दिया कि इन दोनों रेखाओं के बीच में वो स्थिति है, लेकिन हमें पूर्व से पश्चिम वाली इस तरीके से देशांतर रेखाओं को भी बताना पड़ता है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ऊपर से नीचे की तरफ में जो रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशों में अंतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये 2 तरीके से होती हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाएं। भारत जो है वो पूर्वी देशांतर रेखाओं में स्थित है। तो भारत की बात करते हैं, भारत की इस वाली रेखा का नंबर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और सबसे पूरब में जो स्थित है इस वाली रेखा का नंबर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब मैं इस स्थिति को इसमें लिख देता हूँ अपने मैप में, यहाँ लिख देता हूँ। इधर मैंने भारत के लिए बनाया हुआ है और इधर मैंने राजस्थान के लिए बनाया हुआ है। अक्षांश और देशांतर इस तरीके से लिख देता हूँ, अक्षांश देशांतर रेखाएं। ठीक है, भारत की जो अक्षांश स्थिति मैंने बताई है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय मैंने स्थिति बताई है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत की स्थिति हो गई। अब भारत की स्थिति के बाद में हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं। मैं इसमें से बीच वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। अब हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान मैं पहले ही रेड इंक से, रेड मार्कर से हाईलाइट कर चुका हूँ। इसका जो निम्नतम जो बिंदु है उस पे जो रेखा जाती है अक्षांशीय रेखा, वो रेखा है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपको याद करने पड़ेंगे, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। और सबसे ऊपर वाली जो अक्षांश रेखा है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया हुआ था अगर तिरछी रेखा जाती है तो अक्षांश रेखा, और ऊपर से नीचे जो आती है वो देशांतर रेखा है। हमने अक्षांश बता दिया कि इस और इन दोनों रेखाओं के बीच में राजस्थान स्थित है, लेकिन हमें उसके साथ में देशांतर रेखाएं भी बतानी पड़ेंगी ताकि पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे। तो राजस्थान की इस वाली रेखा का नंबर है ये जो आपको लास्ट बिंदु जो मिलेगा 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इधर की साइड में ये जो धौलपुर से होके जाती है इसका नंबर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आप राजस्थान के साथ भारत के साथ में कंपेयर करके देख लीजिए एक बार में। भारत का मैंने बताया था सबसे निम्नतम बिंदु जो बताया, मुख्य भूमि का निम्नतम भूमि। मुख्य भूमि इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि भारत का कुछ एक द्वीप समूह भी हैं इस तरीके से, वो यहाँ पे स्थित हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर की साइड में लक्षद्वीप द्वीप समूह। मुख्य भूमि भारत की ये हो जाती है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी नीचे है। हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। मुख्य भूमि का अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके साथ में ही अगर स्थिति बतानी है तो अक्षांश के साथ में ही हमें देशांतर बताना पड़ता है। इस साइड में राजस्थान भारत वाली जो स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके साथ में अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 03 मिनट, ये याद रखना 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट है, 03 यानी 3 मिनट। अगर 23 डिग्री 3 इस तरीके से लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है 23 डिग्री 30 मिनट हो जाता है। तो 0 ध्यान रखना, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके साथ में अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हम इस स्थिति को लिख देते हैं, राजस्थान की स्थिति को 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर रेखाओं की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये स्थिति हो गई, आप कंपैरिजन कर लेना दोनों की। राजस्थान की स्थिति भारत वाली स्थिति के अंदर ही आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा का आपने नाम सुना ही होगा। कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री रेखा। देखो इस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बनाया था, विश्व का ग्लोब में बनाया था मैंने। ये इस तरीके से हुआ, पृथ्वी को दो भागों में बांटा तो उसे बोल दिया भूमध्य रेखा। और ऊपर की साइड में हमने बताया था उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा होता है गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे की साइड में हमने बताया था दक्षिणी गोलार्ध। मैंने बताया था कुल अक्षांश रेखाएं इस तरीके से 1 2 3 करते करते ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर बनाते हैं, 90 अक्षांश रेखाएं। इसी तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करते हुए हम 90 अक्षांश रेखाएं नीचे तक बनाते हैं। तो 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
इस वाली रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। ये उत्तर वाली बात हुई। अगर हम दक्षिण में 23.5 डिग्री की बात करें तो इस वाली रेखा को बोला जाएगा मकर रेखा, और बीच वाली रेखा का मैंने नाम आपको बता ही दिया है, भूमध्य रेखा है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा भारत से 8 डिग्री 4 मिनट नीचे होके जा रही होगी। अब बात कर रहे हैं 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा की बात, कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, क्या राजस्थान से गुजरती है, अगर राजस्थान से गुजरती है तो कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो मैं कर्क रेखा बना रहा हूँ आपके लिए इस तरीके से, इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ अभी क्योंकि आपको स्थिति में बता चुका हूँ। कर्क रेखा जो वो इस तरीके से गुजरती है, ये कर्क रेखा के गुजरने की स्थिति है। अब देख सकते हैं आप, कर्क रेखा राजस्थान से होके गुजर रही है, राजस्थान से होके गुजर रही है। राजस्थान में दो जिलों से होके गुजरती है, एक है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। तो आपको दोनों ही जिलों के नाम याद रखने पड़ेंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है जिनका नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब हम राजस्थान के अलावा भारत की बात करते हैं, कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। तो आप इस नक्शे में देख सकते हो, पहला ये राज्य है गुजरात, दूसरा भारत राजस्थान से होके गुजर रही है कर्क रेखा, तीसरा ये मध्य प्रदेश राज्य हुआ, चौथा राज्य हुआ छत्तीसगढ़, पांचवा हुआ झारखंड, छठवां हुआ पश्चिम बंगाल, सातवां हुआ त्रिपुरा और आठवां हुआ मिजोरम। अभी आपको नाम याद करने पड़ेंगे, आप कोई भी ट्रिक ढूंढ लीजिए। अब ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, ट्रिक कभी बाद में देखेंगे, बस एक बार में नाम लिखता जा रहा हूँ आठों राज्यों के। पहला मैंने बोला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये आठ राज्य आपको नाम याद करने पड़ेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं राजस्थान, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो आठ राज्यों से गुजरती है। आपको वो नाम याद करने पड़ेंगे, आप याद कर लेना। एक बार दोबारा बता देता हूँ नक्शे में, यहाँ गुजरात से, गुजरात के बाद राजस्थान में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम। आठ राज्य हैं। अब बात हम करते हैं क्षेत्रफल की, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और भारत की तुलना में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपको याद होगा ही, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है, आपको पता है, दूरी को सिर्फ किलोमीटर में नापा जाता है और आयतन को किलोमीटर क्यूब में मापा जा पाता है, किलोमीटर क्यूब में मापा जाता है। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल के साथ में भारत का क्षेत्रफल भी आपको लिए लिखा देता हूँ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। अब अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का हिस्सा देखा जाए तो करीब करीब बैठता है 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान है। सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश राज्य, ये राज्य मध्य प्रदेश राज्य पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे था, क्योंकि सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य एक हुआ करते थे। इन दोनों राज्यों का क्षेत्रफल कुल मिला के करीब 4,45,000 किलोमीटर के आसपास होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में अभी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हुआ गया है 3,10,000 किलोमीटर के आसपास में। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है राजस्थान।
ठीक है। राजस्थान पूरे भारत में 10.41% क्षेत्रफल कवर करता है। प्रथम स्थान है राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल मैं लिखा चुका हूँ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत जो है पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है। देखो राजस्थान की अगर तुलना होगी तो भारत के अन्य राज्यों के साथ में तुलना की जाएगी, और भारत की अगर मैं तुलना करूंगा तो विश्व के अन्य देशों की तुलना की जाएगी। अगर राजस्थान राज्य है तो राज्य की तुलना सिर्फ एक राज्य से होगी, अगर कोई देश यानी भारत अगर देश है तो देश की तुलना अन्य देशों से ही होगी। तो मैंने यहाँ बात की राजस्थान का प्रथम स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो मामला है सिर्फ अन्य राज्यों की तुलना में। और अगर मैं कहूँ भारत जो है पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अन्य देशों की तुलना में 7वां स्थान है भारत का। देखो पहले 6 देशों के नाम मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले नंबर पे आता है रूस। रूस का क्षेत्रफल पूरे विश्व में सर्वाधिक से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो रूस का है। उसके बाद में आता है कनाडा, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा ब्राजील और छठवां ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का नंबर आता है। तो भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का करीब करीब 2.42% क्षेत्रफल कवर करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2.42 पूरे विश्व का क्षेत्रफल होता है करीब 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, उसमें से 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का हुआ। आप अगर परसेंटेज निकालना जानते हैं तो 32,87,263 में 15 करोड़ का भाग दीजिए, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका जो आंसर आएगा 2.42% आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल बात हो गई, क्षेत्रफल में राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम है, भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है, राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% कवर करता है, भारत पूरे विश्व का 2.42% क्षेत्रफल कवर करता है। अब बात करते हैं हम जनसंख्या की। जनसंख्या की हर 10 साल में गणना की जाती है, जैसे 2011 में हुई थी, उससे पहले सन 2001 में हुई थी, और अगली जो जनसंख्या होगी वो 2021 में होने वाली है। तो आपको सन 2011 के ही आंकड़े याद रखते हैं। सन 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या थी 6.86 करोड़ थी, 6,86,00,000 करीब, ठीक है, ये आपको इतना ही डाटा याद रखना है। और सन 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी, 121 करोड़, ये आपको डाटा याद रखना है बस जनसंख्या के बारे में। बाकी मैं और सारी चीज़ें जनसंख्या के बारे में बता देता हूँ। सन 2001 में, 2001 में जो जनगणना हुई थी उस समय राजस्थान की जो जनसंख्या थी 5.65 करोड़, यानी 5,65,00,000 थी, 5.65 करोड़। और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी 102 करोड़, ठीक है। तो 2001 से 2011 तक 5.65 करोड़ से 6.86 करोड़ तक वृद्धि हो गई। तो राजस्थान ने एक साल 10 साल में, 10 साल में 2001 से 2011 तक करीब करीब वृद्धि दर जो रही थी, 10 साल की जो वृद्धि दर रही वो 21% के बराबर, 21%, 10 साल में हम 21% बढ़ गए। और राजस्थान भारत की जो वृद्धि दर रही वो रही 17%। देखो जनसंख्या के आंकड़े ऐसी चीज है कि आपको रटना नहीं चाहिए कभी भी जनसंख्या के बारे में, सिर्फ 2 पॉइंट याद रख लो। अभी आप 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़, भारत की जनसंख्या 121 करोड़, वृद्धि दर उस समय 21% थी राजस्थान की और भारत की थी 17%। जनसंख्या के बारे में ऐसे मत रटो सर जी, आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि राजस्थान की जनसंख्या 7,90,525, ऐसे मत रटो, क्योंकि इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जनसंख्या जनगणना होती है उसी के आधार पे होती है। बाकी आप रटने लगो 7,90,239, उसके बाद में आप जितने समय में उस चीज़ को लिखोगे उतने में तो 5-6 बच्चे और पैदा हुए होंगे, तो
तो उन्हें फिर याद करने लगो, उन्हें लिखोगे इतने देर में 5-6 बच्चे और पैदा हो जाएंगे। देखो भारत की वृद्धि दर 17% के हिसाब से मैंने आज कैलकुलेटर से अनुमान लगाया था, तो करीब करीब 40 बच्चे 1 मिनट में पैदा हो जाते हैं, 40 बच्चे 1 मिनट में पैदा हो जाते हैं। तो आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं रटना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि 2011 में 121 करोड़ और वृद्धि दर जो थी 17%। अगर वृद्धि दर के हिसाब से मैं आज अनुमान लगाता हूँ भारत की जनसंख्या सन 2018 में, ये मेरा अनुमान है इस वृद्धि दर के हिसाब से, तो करीब करीब जो बैठती है वो 138 करोड़ भारत की जनसंख्या बैठती है, 138 करोड़। अब भारत का तुलना हम चीन के साथ भी कर लेते हैं, जब जनसंख्या की बात चली है तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के साथ भी भारत की तुलना कर लेते हैं। चीन की जनसंख्या इस समय करीब करीब 142 करोड़ है, इस समय की बात कर रहा हूँ सन 2018 में, और सन 2011 में जो चीन की जनगणना हुई थी उसमें उसकी जनसंख्या थी 135 करोड़। तो देख लो अगले 4 या 5 साल में हम चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ने वाले हैं। जनसंख्या की बात से मुझे अपने बचपन की कुछ कहानी याद आती है, जब मैं बहुत छोटा था यानी 3rd क्लास में पढ़ता था, 3rd या 4th क्लास में, तब मैं पहली बार समझना सीखा था कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है, जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। तो उस समय हमें थोड़ा सा एक तरीके से राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट बचपन से होना था, तो उस समय कुछ अजीब लगता था यार, भारत दूसरे नंबर पे कैसे हो गया, भारत को पहले नंबर पे होना चाहिए था, सर जी हम बड़े होके भारत को पहले नंबर पे लाएंगे, लेकिन अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिक पहले नंबर पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि भारत की वृद्धि दर 17% है और चीन की वृद्धि दर सिर्फ 5% है, तो हम 4 या 5 साल में उसे पीछे छोड़ जाएंगे। सन 2022 और 23 में भारत जनसंख्या के इस दृष्टि से पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। चलो बात हुई अब जनसंख्या की, जनसंख्या के बाद में हम बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्यों की और पड़ोसी देशों की। आपके लिए यहाँ पे मैप बना हुआ है, मैं कर्क रेखा वाला बीच की रेखा एक मिटा दे रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इस तरीके से। अब हम पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों की बात करेंगे। सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश जो भारत की स्थलीय सीमा यानी जमीन से टच किए हुए हैं, भारत की जमीन से एक तरीके से टच हुए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एक देश है उसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है, ये भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ऊपर की साइड में यहां पे इतना चित्र जो है वो मिलता है अफगानिस्तान से। भारत के पड़ोसी देशों की बात चल रही है, दूसरे नंबर पे मैंने अफगानिस्तान की बात कर ली, तीसरा इस साइड में चीन देश आता है, चीन यहां से शुरू होता है और इस तरीके से इस जगह तक आता है चीन। यहां पे तिब्बत राज्य है चीन का, तिब्बत वैसे सन 1949 तक एक अलग देश था, चीन ने 1949 में उस तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा, दलाई लामा तिब्बत को छोड़ के भारत आ गए थे। वो आज भी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की एक जगह है, वहाँ पे अपने अनुयायियों के साथ में रहते हैं, वहीं से तिब्बत की सरकार चलाने की भी कोशिश करते हैं। जब भी चीन का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका विरोध किया जाए, क्योंकि वो तिब्बती लोग मानते हैं कि हम यहाँ पे एक स्वतंत्र देश हैं, हम पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब जो है सो है, तिब्बत एक हिस्सा है चीन का, इस समय तिब्बत को बोलते हैं TAR यानी तिब्बत ऑटोनॉमिक रीजन, तिब्बत एक देश नहीं है, इसलिए हमें चीन देश को ही नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा पड़ोसी देश हुआ चीन, उसके बाद में हम बात करते हैं चौथा पड़ोसी देश इस तरीके से, यहाँ पे चौथा है उसका नाम है नेपाल। उसके बाद में यहाँ पे भारत का एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम के जस्ट बाद में यहाँ पे एक देश आता है उसका नाम है भूटान, 5वें नंबर पे मैं लिख देता हूँ भूटान। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक शब्द सुना होगा डोकलाम विवाद, डोकलाम इश्यू, भारत और चीन में आपस में तनातनी हो गई थी उस मामले में। देखो उसको भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, रेड इंक लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक जगह है
भूटान के पास में और भूटान का ही हिस्सा है, उसका नाम है डोकलाम। उस डोकलाम नामक स्थान का भारत से कोई संबंध नहीं है, वो जो स्थान है वो भूटान का ही है। चीन कहता है कि ये डोकलाम वाली स्थिति, वो डोकलाम वाला स्थान हमारा है। चीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एक्सपेंशन वाली सिद्धांत को फॉलो करते हैं, यानी साम्राज्यवादी नीति है इनकी। कोशिश करते रहते हैं अपनी टेरिटरी को बढ़ाया जाए, क्षेत्र को। उन्होंने पहले तिब्बत को जीत लिया था भारत के यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश पे भी चीन दावा करता है। इस साइड में यहाँ पे अक्साई चिन वाला क्षेत्र भी चीन ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। उधर की साइड में अगर बात करें दक्षिण चीन सागर में भी उन्होंने जबरदस्ती द्वीप बना दिए हैं, प्राकृतिक द्वीप बना दिए हैं और उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन एक विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। इसी तरीके से इसी साल की बात है, इसी तरीके से चीन ने यहाँ पे डोकलाम नामक स्थान के पास में अपने रोड बनाने शुरू कर दिए। भूटान एक छोटा देश है, भूटान और भारत बहुत ही अच्छे संबंध वाले देश हैं। भूटान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भूटान एक राजतंत्र है, वहाँ पे लोकतंत्र यानी चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन भूटान का जो राजा है बहुत ही अच्छा है, उसके संबंध भारत के साथ में बहुत अच्छे हैं। भूटान छोटा देश होने के कारण चीन से तो लड़ ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, तो भूटान ने भारत से बोला कि आपको हमारे लिए मदद करना पड़ेगा। भारत हमेशा, भारत और भूटान का एक संबंध है, आपस में एक टाई किया हुआ है, उन्होंने एक संधि की हुई है कि अगर भूटान पे हमला होता है तो भारत हमेशा उसके सहयोग करेगा। तो इस स्थिति के लिए यहाँ पे डोकलाम पे अगर चीनी सैनिक इस साइड से आए थे तो भारत ने भूटान की सहायता के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया था यहाँ पे। कुछ समय तक विवाद चला था आपस में, वीडियो भी आपने देखे होंगे, गुत्थम गुत्था वीडियो हुई थी, आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई, जब गोली एक भी नहीं चली थी। इसे आप कोल्ड वार भी बोल सकते हो, छोटे से क्षेत्र का कोल्ड वार, मतलब आपस में जवानी जंग चलती रही थी, बंदूक से लड़ाई नहीं हुई थी। उसके बाद में चीन ने यहाँ से अपनी सेना को वापस हटा लिया था। तो इस मुद्दे में एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारत की ही जीत हुई, क्योंकि वो जो डोकलाम नामक जगह है वो ना तो भारत की है, वो जगह है भूटान की। उस भूटान की सहायता करने के लिए हमने अपनी सेना भेजी और हमारी सेना से चीनी लोग वापस चले गए, तो एक तरीके से भारत की विजय मानी जाएगी उसमें। चलो तो ये बात हुई पांचवें नंबर के पड़ोसी देश भूटान की। उसके बाद में बात करते हैं अगला पड़ोसी जो देश है भारत का, वो है म्यांमार। छठवां म्यांमार, और उसका दूसरा नाम है बर्मा। इसकी राजधानी है, पहले तो रंगून थी और अभी ने तापो नाम से है, और यहाँ की जो राष्ट्रपति है आंग सांग सू ची, नाम सुना होगा, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है उन्होंने। लेकिन आजकल उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है, और उस आलोचना का कारण है यहाँ पे एक प्रांत है रखाइन नाम का, रोहिंग्या मुस्लिम है। यहाँ पे एक प्रांत है रखाइन नाम का, वहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके कारण वो रोहिंग्या लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के बांग्लादेश जा रहे हैं, भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आंग सांग सूची की इस समय सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है, क्योंकि आप तो शांति की दूत थी और आपके ही देश में इस समय इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम समाज से हैं, और म्यांमार में या बर्मा में ज़्यादातर लोग बौद्ध समाज के हैं, बौद्ध धर्म के हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं छठवां जो पड़ोसी देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। ये तो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। बाकी उसके बाद में आठवां पड़ोसी देश, ये स्थलीय सीमा से टच नहीं है लेकिन समुद्री सीमा से है, इसलिए इसका नाम श्रीलंका। इस साइड में एक देश है, उसका नाम है मालदीव। और इधर की साइड में अंडमान निकोबार, मैंने आपको बताया था, उससे आगे यहाँ पे हैं इंडोनेशिया। इस तरीके से कुल मिला के 10 पड़ोसी देश के नाम आपको याद रखने हैं। उनमें से सिर्फ 7 पड़ोसी देशों की सीमा भारत के साथ में लगी हुई है, स्थलीय सीमा भारत के साथ में लगी हुई है। एक बार दोबारा से देखो, पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चीन में भी तिब्बत वाला क्षेत्र, लेकिन आपको देश का नाम सिर्फ चीन का याद रखना है। उसके बाद में चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है म्यांमार, सातवां है बांग्लादेश। ये स्थलीय सीमा वाले क्षेत्र हुए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं समुद्री सीमा से लगे हुए, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, ये हुए समुद्री सीमा से लगे हुए देश। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात हो गई, अब हम बात करते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्यों तथा पड़ोसी देश। देखो पड़ोसी राज्य
किसी भी राज्य की अगर बात होगी तो उसके नॉर्मली पड़ोसी राज्यों की ही बात होती है, लेकिन अगर राज्य की सीमा किसी दूसरे देश से लगी होगी तो उसे पड़ोसी देश भी मान सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलेंगे। ये राजस्थान है, राजस्थान के सबसे ऊपरी ऊपर यहाँ पे पहला जो राज्य है वो पंजाब है, उसके बाद में दूसरा राज्य है हरियाणा, उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है तीसरा राज्य है, उसका नाम है तीसरा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बात चलती है चौथे राज्य यानी एमपी, और पांचवा राज्य यानी गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा गुजरात। अब जो बात आती है इस तरीके से इस साइड में, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान देश के साथ में लगती है, तो इसे इन राज्यों के साथ में शामिल नहीं करते हुए एक अलग सीमा के थ्रू मान लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है भारत की, यहाँ से गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक चलती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं भारत, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम, पहला हुआ पंजाब, दूसरा हुआ हरियाणा, तीसरा हुआ उत्तर प्रदेश, चौथा हुआ मध्य प्रदेश और पांचवा हुआ गुजरात। पांच राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है तथा एक देश के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। पांच राज्य मैंने एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस तरीके से राजस्थान के पड़ोसी देश हो गए, आपको नाम लिख लेने हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। और पड़ोसी देश जिसके साथ भारत राजस्थान की सीमा लगी हुई है उसका नाम है पाकिस्तान। इन सीमाओं की लंबाई वगैरह सारी अगले वीडियोज में देखेंगे, अभी केवल एक सामान्य जानकारी के रूप में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्थिति क्या है, और उसी तरीके से राजस्थान की भी राजनीतिक स्थिति क्या है। देखो भारत को टोटली 29 राज्यों में बांटा गया है, 29 राज्यों के साथ में 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये हुई भारत की बात। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 7 संभागों में तथा 33 जिलों में बांटा गया है। ओके, तो ये भारत और राजस्थान की तुलना करते हुए सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली है। अभी मैं एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, अगली वीडियो में हम आपको सिर्फ राजस्थान का नक्शा बनाना सिखाएंगे, राजस्थान का नक्शा कैसे बनाते हैं। एक बार दोबारा से पूरा देख लेते हैं, पहले मैंने बताया था स्थिति कहाँ पे, उत्तर पश्चिम। मैंने आपको बताया हुआ था कि इस तरीके से आप दिशाएं बनाते हो, तो राजस्थान की जो स्थिति आती है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में आती है, तो इसलिए राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में है। उसके बाद हमने बात की थी राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के आकार जैसी यानी पतंगाकार के जैसी है। उसके बाद हमने बात की थी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, राजस्थान के बारे में बताया था मैंने, यहाँ पे जो रेखा जाती है उसका नंबर था 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और मैंने अगर देशांतर रेखाओं की बात करें, यहाँ पे जो रेखा जा रही थी उसका नंबर बताया था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे ही मैंने भारत की भी स्थिति बताई थी, भारत के लिए बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में मैंने देशांतर इस तरीके से बताया था भारत के बारे में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके इस साइड में जो रेखा बताई थी उसका नंबर बताया था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद में हम बात की थी कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में बताने से पहले मैं बताया भी था कि पृथ्वी को अगर दो भागों में बांट दें बीच में से तो उस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर की साइड में अक्षांश रेखाएं होती हैं, नीचे की साइड में भी अक्षांश रेखा होती हैं, लेकिन ऊपर वालियों को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, नीचे वालियों को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अगर तिरछी रेखाएं तो उन्हें अक्षांश रेखाएं, और ऊपर से नीचे अगर रेखाएं तो उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी भी राज्य की स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी भी देश की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमेशा अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन सिर्फ समय ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए सिर्फ देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा बात करता हूँ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में मैंने बात की थी भारत के 8 राज्य गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य मैंने कर्क रेखा के बारे में बताए थे। उसके बाद क्षेत्रफल की बात की थी,
राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का करीब करीब 10.41% है। पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। मैंने भारत का क्षेत्रफल बताया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल का परसेंटेज निकालें भारत के क्षेत्रफल की तुलना में, तो करीब करीब 10.41% आता है। मैंने बताया था कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है, यानी भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उससे पहले 6 देश आते हैं। 6 देशों के नाम हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में नंबर आता है भारत का। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का करीब करीब 2.42% भाग भारत के पास में है। पूरे पूरे विश्व का क्षेत्रफल 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या हम आपको सिर्फ दो तीन ही आंकड़े याद रखने होते हैं। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा 2011 की जनगणना याद रखें आप, 2001 से कोई मतलब नहीं है, 2018 से, 17 से और आज की तारीख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। आप जितने समय में याद करोगे उतने ही टाइम में 2-4 बच्चे और पैदा हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 2011 की जनसंख्या याद करनी है। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या थी 6.86 करोड़ और भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। वृद्धि दर मैंने बताई है 21% है और भारत की वृद्धि दर 17%। तो इसके हिसाब से मैंने बताया भी है कि अगर आज के समय में राजस्थान की जनसंख्या की बात करें सन 2018 में, तो करीब करीब 8 करोड़ के आसपास हो गई है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। उसी तरीके से मैंने बताया था कि भारत की अगर बात करें तो 2018 में करीब करीब 138 करोड़ हो गई है, लेकिन आपको वो भी याद नहीं रखना है। पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का पूरे पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे चीन है। चीन की इस समय करीब करीब 142 करोड़ है और हम उसे 4 या 5 साल में हम पीछे छोड़ने वाले हैं। उसके बाद हमने बात की थी पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों के बारे में। राजस्थान के पड़ोसी राज्य में बताए थे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात की थी स्थलीय सीमा के अनुसार से। पहले नंबर पे पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देशों की सीमा, स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा को टच करती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बात की थी समुद्री सीमा से लगे हुए कुछ देश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीप। बाकी पाकिस्तान की सीमा इस तरीके से समुद्र से लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ भी लगी हुई है, म्यांमार के साथ में भी लगी हुई है समुद्र की सीमा। लेकिन म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये तो स्थलीय सीमा के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये पर भारत के पड़ोसी देशों की बात की। उसके बाद की राजनीतिक स्थिति से, राजस्थान को 7 संभागों और 33 जिलों में बांटा गया है और भारत को 29 राज्यों और 7 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, तो ठीक है तो दोस्तों अगली वीडियो में हम राजस्थान का नक्शा बनाना सीखेंगे, राजस्थान को 7 संभागों में बांटेंगे और उनमें 33 जिले किस 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 संभाग में स्थित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राम राम सर।